विद्युत बोर्ड सर्कल बिलासपुर के तहत आने वाले सब डिवीजन नम्होल में बिजली बिल जमा न करने वालों की अब खैर नहीं। बता दें कि सब डिवीजन नम्होल में काफी समय से कई बिजली के उपभोक्ता ने अपना बिजली का बिल जमा नहीं करवाया है और काफी बार विभाग द्वारा नोटिस भी दिए गए हैं, फिर भी उसके बावजूद उपभोक्ता अपना बिजली का बिल जमा नहीं करवा रहे हैं, जिसके लिए विभाग ने 10 मार्च का समय दिया है। विद्युत बोर्ड सर्कल बिलासपुर के तहत आने वाले सब डिवीजन नम्होल में बिजली बिल जमा न करने वालों अब खैर नहीं। बता दें सब डिवीजन नम्होल में काफी समय से कई बिजली के उपभोक्ता ने अपना बिजली का बिल जमा नहीं करवाया है और काफी बार विभाग द्वारा नोटिस दिया जा रहा है, फिर भी उसके बावजूद उपभोक्ता अपना बिजली का बिल जमा नहीं करवा रहे हैं, जिसके लिए विभाग ने 10 मार्च का समय दिया है। अगर फिर भी बिल जमा नहीं करवाए जाते हैं तो बिजली विभाग किसी सूचना के तुरंत उपभोक्ता के बिजली के मीटर काट देंगे, जिसे पुनः चालू करने के लिए उपभोक्ताओं को अतिरिक्त पैसे देने होंगे। वहीं जब सहायक अभियंता नम्होल से बात की गई तो उन्होंने बताया कि काफी समय से उपमंडल नम्होल द्योत जुखाला व चकोह के उपभोक्ता के लगभग 40 लाख के बिल जमा नहीं करवा रहे हैं, जिन्हें काफी समय से नोटिस भी दिए जा रहे हैं, लेकिन अब विभाग 10 मार्च के बाद ऐसे उपभोक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने जा रहा है और बिजली के मीटर काट देगा। जिन उपभोक्ताओं ने बिजली के बिल जमा नहीं करवाए हैं उनके लिए बार बार नोटिस दिए कि आप अपना समय के अनुसार बिजली का बिल जमा करवाएं, लेकिन कुछ ऐसे उपभोक्ता हैं जो कि बार बार नोटिस देने के बावजूद भी अपने बिजली के बिल जमा नहीं करवा रहे हैं। उनको हम अब क्योंकि काफ़ी हमारा आउटस्टैंडिंग अमाउंट हो गया, जैसे कि हमारा डोमेस्टिक अमाउंट और लगभग 22.5 लाख के करीब है और कमर्शियल का हमारा आउटस्टैंडिंग अमाउंट 13.5 लाख के करीब हो गया। तो ये इन उपभोक्ताओं को हमने अंतिम बार नोटिस दिया कि ये 10 तारीख तक अपना बिल जमा नहीं करवाते हैं तो इनका बिना किसी सूचना के लाइट काट दी जाएगी और इनको यदि लाइट कट जाएगी तो 250 रुपये इनको दोबारा रिकनेक्शन चार्जेस देने पड़ेंगे और वो ऑफिस में जमा होंगे।